आदाब, मैं जफर खान, जेड डॉट टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। शहर हैदराबाद के इलाके नामपली दरगाह यूसुफैन चौराहे के पास मुस्तफा आर्म्स एंड एम्यूनेशन का इफ्तिताह होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब और नामपली एमएलए जनाब जाफर हुसैन साहब के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर आए हुए तमाम मेहमानों का शानपोशी और गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। आइए इस मौके पर मुस्तफा आर्म्स एंड एम्यूनेशन के तमाम जिम्मेदारों ने इस तफसीलात से वाकिफ करवाया है। भाई जरा सर बैठ जाओ, खुद नीचे हो गई, थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। राइट साहब रेडी था भाई, फोन आ रहा, नीचे बैठ जाओ, तो उठा के बात करो। खाते ले तो ऊपर लेते है कि ये जो जनरेशन चल रहा है हमारा, ये जनरेशन बिल्कुल ही जो है सो आप जो जनरेशन को मेरे भांजे को जो मिला है लाइसेंस, वो जो है सो आप ये कह सकते हैं कि सिक्स जनरेशन है ये लाइन में। ये हमारा बिजनेस जो है सो 1872 से जो है सो शुरू हुआ और आज तक जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस चल रहा है। आप लाइसेंस की बात करें, आर्म्स लाइसेंस देना शायद मुश्किल नहीं, बिल्कुल मिल रहा है लाइसेंस, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज फिलबॉक्स जो है सो जितना स्पोर्ट्स के लिए और जो है सो जितना स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जितना सहूलत दे रही है और आज तेलंगाना में जितने बड़े बड़े आज रेंजेस बने हुए हैं एयर गन्स के लिए और एयर गन्स के एसेसरीज के लिए और शूटिंग इक्विपमेंट्स के लिए, और एक यू समझिए कि आप ये ट्रेड जो है सो एक न्यू बर्थ लिया और जो है सो इसमें जितना भी स्पोर्ट्स के लिए जितनी फैसिलिटीज तेलंगाना गवर्नमेंट में दे मिल रही है उसको जो है सो बहुत ही कम स्टेट में ऐसा सहूलत मिल रही है।
सर ये आज का जो ब्रांच है आपका, पहला ब्रांच है या मेन ऑफिस है, कौन सा है इसमें इसके तले बताओ जी जी। ये ब्रांच जो है सो सबसे पहले आपके जो है सो एन एस रोड पे मारूफ फार्म का ब्रांच का है जी जी। और उसका जो है सो मारूफ फार्म मारूफ साहब के जो है सो ये सबसे छोटे फर्जंद है जी, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है जी, उनका ब्रांच है ये जो है जी जी। ये बिल्कुल ही आप चौथा पांचवा और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हमारा जनरेशन चलते हुए फैमिली बिजनेस चलते हुए आ रहा है जी जी। सर इसके खरीदने की जो परचेसिंग होती है इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कैसे होता है आपको? एयरगन भी है, एयरगन के लिए सेकंड एक आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है जी 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 जी। एयरगन्स के लिए जो है सो आपको फायरआर्म्स के लिए लाइसेंस की जरूरत है। और हमारे पास हैदराबाद का ही बल्कि नहीं है, तमाम हिंदुस्तान का जो है सो कस्टमर आता है अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो वी आर डूइंग गुड बिजनेस। सर ऑनलाइन सर्विसेज भी है आपके इसके लिए? ऑनलाइन सर्विसेज भी जितने आपको एयरगन्स के जो है सो जितना भी एयरगन्स का रेंज है पूरे ऑनलाइन सर्विसेज आपको अवेलेबल है। फायरआर्म्स के लिए लाइसेंस प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपको पुलिस डिपार्टमेंट? प्रॉब्लम नहीं होता, जिन्हें जिस जिस को मिलना है मिल रहा है लाइसेंस, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट परसेप्शन है, बराबर लाइसेंस मिल रहा है। बंदूकों के कारोबार सबसे पहले मौलाना मारूफ साहब के इजाद है, यानी हमारे खानदान में सबसे पहले वही बंदूकों के धंधा शुरू किए हैं। उसके बाद से आज तक पूरे हमारे हैदराबाद में फिर आप सर भी नहीं हटा रहे, आप पीछे भी नहीं हट रहे, ऐसा है जब भी ठीक है ठीक है आपका बहुत शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना है उन्होंने तमाम अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे पास आके हमारी इज्जत अफजाई की है और हमारे लिए बहुत ही नेक तमाम निकल रहा है। अल्लाह ताला उनको उम्र दराज करे। अल्लाह ये कब से कितने सालों से ये तकरीबन ये हमारे 100 इयर्स का तो हमारा है, ये हमारे दादा का एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे दादा और दादा से चलते आ रहा है ये जी जी। हमारा यही एस्टैब्लिशमेंट है, 100 साल से ज्यादा हो गया है इसको। अब जैसा कि आप बता रहे थे पीछे से कि डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट जो है लाइसेंस होना पड़ता है, फायरआर्म्स लेने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है तो एयरगन ले सकते हैं आप, एयरगन और एयर पिस्टल ले सकते हैं, वो शूटिंग के लिए और टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज होता है एयरगन जी जी। वो कोई भी खरीद सकता है 18 साल के अबव, कोई भी आधार कार्ड लाने पे हम लाइसेंस के बगैर उनको एयरगन एयर पिस्टल दे सकते हैं। फायरआर्म्स के लिए लाइसेंस होना पड़ता है। लाइसेंस में भी तीन तरीके के, एक सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है, एक स्पोर्ट्स के लिए और एक क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए आता है और एक फैमिली हेयरलूम पॉलिसी में लाइसेंस देते हैं जी। जो उसके लिए कुछ एज बार कुछ या रिक्वायरमेंट रहेगी? एज का ऐसा है लाइसेंस के लिए 21 इयर्स के बाद लाइसेंस देते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जी। और स्पोर्ट्स के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चों को भी शूटर्स, जो भी शूटर्स है अपना हैदराबाद बहुत उभर रहा है शूटर्स से आजकल जी। बहुत सारा रेनाउंड शॉट एस्पायरिंग शूटर्स बहुत है हैदराबाद में जी। तो उनको लाइसेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता एस्पायरिंग शूटर के लिए, रेनाउंड शॉट। इसी तरह के ज्यादा अपडेट्स और न्यूज देखने के लिए आप अपने चैनल ZNow TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए ZNow TV यही सच है।